सर सॉरी टू इंटरप्ट मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा एटीज और के आसपास में आपने जब मर्सनरीज की बात करी थी जो बाहर से आए और यहाँ पे आके लड़े तो वो जो एरा था वो मर्सनरीज का आ रहा था जस्ट लाइक हॉलेंडर्स थे अर्मेनियम थे और आपने जॉर्ज थॉमस की बात करी ही वॉज ऑल्सो मर्सनरी फ्रॉम आयरलैंड और वो पहला हरियाणा का पहला देसी राजा भी उसको सो गोल्ड बोलते हैं तो थोड़ा जॉर्ज थॉमस बेगम शमरू और जेम्स स्किनर इन तीनों की क्या केमिस्ट्री थी इसके ऊपर थोड़ा ब्रीफली बताएं एक्चुअली ये जो आने लगे थे एक का लड़ाई हुई थी बड़ी छोटी सी तो लड़ाई सॉरी आर्कट आर्कट तमिलनाडु में है ओके तो वहां पे एक फ्रेंच प्लाटून थी प्लाटून लगभग पचास एक व्यक्ति उन्होंने वहां के जो आर्कट का नवाब था उसके लगभग बहुत बड़े मतलब कहने को कोई कहता है एक लाख थे कोई कहता है बीस हजार थे पर जो भी थे काफी बड़ा उसके बेटे के अधीन उसने भेजा था इनको इन फ्रेंच प्लाटून के खिलाफ लेकिन वो हार गए ओके तो उससे एक तरह से वो भारत के जितने भी राजा रजवाड़े थे इनकी आंखें खुल गई कि ये क्या हुआ अच्छा पचास साठ आदमियों ने इतने हजारों को हरा दिया तो क्यों हरा दिया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो इनकी टैक्टिक्स है जो यूरोपियन है ये लाल कोट पहनते हैं और जी ये इस ढंग से ड्रिल करते हैं और ऐसे रहते हैं ऐसे युद्ध करते हैं ये है तो भाई अगर तुम्हें जीतने वाली सेना बनानी है तो यूरोपियन को अपना सेनापति बनाओ तो एक ट्रेंड चल पड़ा एक फैशन चल पड़ा यूरोपियंस को अपने यहाँ पे सेना में अधिकारी लगाने और अब आप आते हैं हरियाणा में तो लगभग 1780 तक ये एरिया मराठों के हाथ में था मतलब बड़ी ताकत भारत में मराठे थे और पेशवा ने भारत को लगभग अपने अपने जो पांच छह उसके सरदार थे उनमें बांट रखा अब और जैसा मैंने बताया हरियाणा खालसा लैंड थी यानी बादशाह की जमीन थी तो बादशाह ने अपनी जमीन के दीवानी का ठेका दे दिया था सत्रह 1785 में सिंधिया ओके के अंदर जो सिंधिया थे वकील मुतल सिंधिया बन गया था भारत का जो जिसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करने तो की कोशिश करो तो डिक्टेटर ऑफ इंडिया की उपाधि उसको मिल गई थी तो वो कागजों में वो नायब मुतल था मुतल था पेशवा लेकिन पेशवा तो कभी यहाँ आता ही नहीं था तो इन रियलिटी सिंधिया ठीक है तो सिंधिया की जो फौज थी उसमें ज्यादातर जो ऑफिसर थे वो फ्रेंच थे ओके तो और उसके देखा देखी बाकी जो राजा थे जैसे भरतपुर का राजा उसके पास मेडिक था ये और सुमरो था सुमरो पहले भरतपुर के राजा के यहाँ था उससे पहले वो अवध के नवाब के पास रहता है उससे पहले वो पटना में रहता है तो ये लोग जो ये मर्सनरी थे ये अपनी सर्विसेज जो जितना ज्यादा पे देगा उसके पास चले जाते थे तो इसी दौरान ये जॉर्ज थॉमस भी आता है जैसे सिंधिया का सबसे बड़ा जनरल था पैरों इधर था मेडिक इसमें था भरतपुर में सुमरो था वो बादशाह के नीचे भी रहा कुछ दिन डायरेक्टली लेकिन फिर अंग्रेजों ने उस पर दबाव डाला कि इसको हटाओ तो वो हट गया वो चला गया वो भी भरतपुर के पास चला गया नौकरी करने और ये जॉर्ज थॉमस था ये आता है सुमरों मरने के बाद जब उसकी बेगम ओके okay. राज कर रही है तो उसने जिम्मेवारी ली थी कि वो जो नॉर्थ हरियाणा में मैं बता रहा हूँ उस समय सिखों का प्रेशर आ रहा था तो बादशाह की जो नॉर्थ हरियाणा वाली जमीनें थी उनको सिखों से बचाने की जिम्मेवारी करनाल पानीपत इलाके में लगाई थी सत्रह में तब से जॉर्ज थॉमस हरियाणा में एक्टिव रहा है उसके बाद वो जब बेगम से उसकी बात बिगड़ गई तो वो अपा खांडेराव नाम के एक नाजिम था सिंधिया का जिसकी जिम्मेवार थी ये अपना हरियाणा का एरिया कनॉट में उस रहता था वो उसकी राजधानी कनॉट थी तो उसने फिर जॉर्ज थॉमस को अपनी सेवा में ले लिया और उसने जॉर्ज को झज्जर और बेरी की जो परगना थे उन बेरी धने एक परगना था और झज्जर एक परगना था ये दे दिए उसको अपनी सेना खड़ी करने मतलब भी तुम अपनी फौज बनाओ वहां पे उसका खाना पीना पे वगैरह के खर्चे के लिए ये दो परगनों का जो भी लगान आता है वो तुम्हारा है और इस पूरे एरिया को आप व्यवस्थित करो तो इस कारण से फिर जॉर्ज थॉमस इस एरिया में आया सत्रह सौ सेवनटीन नाइन्टी एट खांडे राव मर गया और उसका बेटा वामन राव वो उसकी जगह इस एरिया का नाजिम बन गया वो बेवकूफ सा था उसकी और इसकी जॉर्ज थॉमस की लड़ाई हो गई तो जॉर्ज थॉमस ने विद्रोह कर दिया उसको और खुद अपना इंडिपेंडेंट राजा बन गया ओके okay. और जॉर्ज थॉमस जो था वो अच्छा आदमी था बहादुर आदमी था पर उसको एक ही काम आता था लड़ना अच्छा लड़ना उसको बहुत अच्छा आता था तो उसने एक तरह से वो बन गया दी हायर ओके okay. अगर बीकानेर वाले को उसको किसी ने कहा कि साहब पैसा चल रहा है जरूरत है पे देनी है दो महीने से एरियर में आ गई है तो कहता है ठीक है बीकानेर वाले को बोलो पैसा भेजेगा और बीकानेर वाले नहीं पैसा भेजा तो हमला कर दिया अच्छा इस जरूरत पड़ी जीन्स वाले को बोलो पैसा भेजेगा नहीं भेजा तो उसको तो अच्छा। वो इस ढंग से तो ये सारे उसके दुश्मन बन गए इन सब के ऊपर था दौलतराव सिंधिया महाजी सिंधिया का बेटा तो दौलतराव सिंधिया को इसमें पोटेंशियल दिखता था कि ये आदमी है अगर ये तुम्हारे साथ आ जाए तो तुम्हें भी फायदा है तो उसने इसके सामने संधि का प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे नीचे काम करो और ये पूरा एरिया तुम्हारा तो पैरों करके एक फ्रेंच जो जैसे मैंने बताया कि सिंधिया का जनरल था जो गंगा एरिया का इंचार्ज था उसको बोला गया कि तुम इससे बातचीत करो अब यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के उन दिनों में संबंध बहुत खड़ा थे और, हाँ। और नेशनलिज्म बड़ा जोर पकड़े हुए था वहां पे उन दिनों में तो वो जो फ्रेंच थे और इंग्लैंड वाले इंग्लिश लोग थे वो आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते थे तो यहाँ पे पैरों जो था उसका इसके साथ समझौता करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था पैरों का बॉस दौलतराव सिंधिया तो चाहता था इसके साथ समझौता हो लेकिन पैरों एज अ फ्रेंच मैन He was was not interested in uh, having an an agreement with the, uh, With the with British. But I, हाँ. Ireland was part of Britain. हाँ, sort of. Britain. sort तो मेन कारण ये था नहीं तो इनका समझौता हो जाता बस उसके बाद इनका समझौता नहीं हुआ सिंधिया ज्यादा ताकतवर था युद्ध हुआ वो युद्ध कई महीने चला पहले जहाजगढ़ में होता है पहली बार जॉर्ज थॉमस उनको पीछे हटा देता है मराठा फौज को दूसरी बार वो और ज़्यादा ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं आसपास के बीकानेर वाला भी फौज भेजता है पटियाला वाला भी ये सब मराठों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और आखिर में उसको हरा देते हैं